हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। मोरबा विधायक के वाहन से टकराया ट्रक, कई को लगी मामूली चोटें। वैशाली हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर अवस्थित महात्मा गांधी सेतु पर बुधवार को मोरबा के राजद विधायक के वाहन को ट्रक ने ठोकर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति के जख्मी होने की सूचना फैली। जबकि घटना कैसे हुई यह समाचार प्रेषण तक स्पष्ट नहीं हो सका था। फिर भी सूचना के अनुसार बुधवार की सुबह विधायक आरजेडी रणविजय साहू उक्त सेतु से गुजर रहे थे, इसी बीच एक ट्रक उनके वाहन से टकराया और एक व्यक्ति जख्मी हुआ। जबकि वाहन पर कितनी संख्या में लोग सवार थे यह भी स्पष्ट रूप से समाचार लिखे जाने तक पता नहीं चल सका था। वाहन पर जो नंबर प्लेट लगा था उस पर BRO1PJ6708 अंकित था। घटना की सूचना फैलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फिर सदर अस्पताल में विधायक व उनके सुरक्षा कर्मियों का सामान्य व प्राथमिक इलाज हुआ। सभी ठीक ठाक स्थिति में बताए गए। जबकि एक्सरे केंद्र पर बिजली गुल की सूचना पर महुआ विधायक ने आपत्ति जताया और कहा कि क्या यही व्यवस्था है। मालूम हो कि मोरवा विधायक जो उनके पार्टी राजद से हैं, उनका कुशल क्षेम पूछने महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन सदर अस्पताल पहुंचे थे। हर वार्ड में घूम रहे हैं, पता चल रहा है कि लाइन नहीं है तो अभी एक्सरे नहीं होगा। जब हमने सिविल सर्जन से बात किया तो पता चला कि वो राघोपुर में है, तो यहाँ भगवान भरोसे सदर अस्पताल जो कि राजधानी से सटे हुए है हाजीपुर, और जब हाजीपुर के सदर अस्पताल का ये हाल है तो आप पूरे बिहार का आकलन कर सकते हैं कि किस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था है। बिहार के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, रात दिन पता नहीं क्या गांजा पीते हैं कि हफीम पीते हैं कि इस नशा में रहते हैं कि जब एक माननीय विधायक का एक्सरे कराने के लिए एक घंटा से दर दर भटकना पड़ रहा है तो आम आदमी और आम मरीज के साथ क्या होता होगा। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त है और इनका एक्सरे करवाना है स्पाइनल का, वो एक्सरे नहीं हो पा रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ के स्टाफ के द्वारा बताया जा रहा है कि लाइन नहीं है, तो आखिर इसमें किसका दोष है? ये पूरा जो मेडिकल सिस्टम है वो मतलब महाजंगल राज में चल रहा है। इसको आप लोग दिखाने का काम कीजिए कि जब माननीय विधायक जब अस्वस्थ है और उनके साथ जब एक्सरे नहीं हो सकता है कि लाइन नहीं है, जनरेटर पर चल रहा है तो नहीं होगा एक्सरे, तो कैसे चलेगा इलाज, कैसे चलेगा बिहार? सिविल सर्जन समस्तीपुर टाउन हॉल मुझे 11 बजे पहुंचना था। गंगा सेतु पुल पर पीछे से एक ट्रक ने जोरदार धक्का मारा, इतनी बड़ी टक्कर थी, हम लोग कुछ देर के लिए समझ नहीं पाए। हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक हम लोग के पीछे से बहुत जोरदार टक्कर मारा और हमारे गार्ड और हम लोग अंदर से चोटिल हो गए, और पुलिस को सूचना देने के बाद गंगा सेतु थाना पुलिस पहुंची और ट्रक ड्राइवर और ट्रक को हम लोगों ने उनको हिरासत में लिया और इलाज कराने के लिए पिछले 1 घंटा से हम लोग हैं, एक्सरे के लिए वेट कर रहे हैं। एक्सरे मेरा होना है, इसके लिए हम इंतजार में हैं। कहाँ आए हैं? ये सदर अस्पताल हाजीपुर आए हैं। कितने देर से हैं आप? हम 1 घंटा से हैं। हमको सिविल सर्जन साहब यहाँ नहीं है, यहाँ की व्यवस्था पूरा लचर है, बता रहे हैं कि लाइन कटा हुआ, एक्सरे नहीं होगा। माननीय विधायक भी हमारा कुशल क्षेम पूछने के लिए मोरवा विधायक महुआ विधायक माननीय डॉक्टर मुकेश रोशन जी भी पहुँचे हैं और अन्य हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सभी लोग, महागठबंधन परिवार के लोग सभी लोग पहुंचे हैं। जिला का सबसे बड़ा सदर अस्पताल है, किसकी लापरवाही मानते हैं? ये निश्चित रूप से सरकार का फेल्योर है। जब ये हाजीपुर का ये हाल है तो बताइए जो हमारा अनुमंडल स्तर है, प्रखंड स्तर का अस्पताल है, उसका क्या हाल होगा? भगवान भरोसे है, इलाज का व्यवस्था पूरे के पूरे ईश्वर के अल्लाह के भरोसे पूरे इस बिहार में एकदम स्थिति बद से बदतर है।